नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पिछले दो तीन दिनों से हिंदुस्तान की मीडिया, खास करके टेलीविजन चैनल पे ये बताया जा रहा है कि चीन और अमेरिका आमने सामने हैं, कभी भी युद्ध हो सकता है। और इसके पीछे की वजह है कि ताइवान में नैन्सी पेलोसी की जो विजिट हुई उसको लेकर चीन की तरफ से जो धमकी दी गई और जिस तरीके से यूएस ने रिस्पॉन्स किया, उसे लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या है पूरा मसला? ताइवान, चीन, अमेरिका किस भंवर में फंसे हुए हैं? मुद्दा आखिर क्या है? क्यों इतना ज्यादा तल्खी अभी देखने को मिल रहा है? और क्या वाकई कोई युद्ध शुरू होने वाला है? इन तमाम सवालों के जवाब को समझने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या बवाल चल रहा है कि भाई युद्ध हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा? मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, चाइना जिस स्थिति में आज है, हिम्मत नहीं है कि वो ताइवान पर अटैक करे। उसका कारण बताऊँगा। ये जो नैन्सी का विजिट है, था जो करके गई हैं ताइवान का, इसका बॉक्सिंग में टाइम ही इम्पॉर्टेंट होता है। सही टाइम पे पंच मारो तो नॉकआउट होता है। तो टाइमिंग अमेरिका ने बहुत सही चूज़ किया। क्यों इम्पॉर्टेंट है टाइमिंग? टाइमिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि चीन की आर्थिक व्यवस्था डमाडोल है, बैंक्स में पैसा नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी टैंक्स डाल रही है बैंक के सामने कि लोग उपद्रव न करें। BRI, CPEC कितने लॉस हुए, सब फेल। जितने देश को लोन दिया था वो डिफॉल्टर हो गए, सब बैड डेट हो रहा है। तो चीन की तो आर्थिक व्यवस्था बहुत ख़राब है। प्रेसिडेंट जी क्यों पॉपुलर हुआ था? उसने कहा था देश कैसे चलेगा मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इतना हाई कर दूंगा कि तुमको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। वो हुआ नहीं, वो शुरू में हुआ तो लोग पॉपुलर हो गया जी, अब तो हालत ख़राब हो रही है। तो एक अंदर अंदर एक आग सुलग रही है, इसीलिए। और ये विजिट, ये 25 साल में इतना बड़ा डिग्नेटरी अमेरिका का 25 साल में ताइवान पहली बार गया है, पहली बार गया। तो इसका मतलब है पेट में तो दर्द होगा, इसीलिए चीन घबराया हुआ है। और चीन जो है एग्रेसिव कैसे हुआ? वो चीन ने कहा कि यदि नैन्सी जाती है तो 50 मिनट के अंदर हम अपना ड्रिल शुरू कर देंगे। तो 50 मिनट उसने ड्रिल शुरू कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि ये ताइवान क्यों इम्पोर्टेंट है अमेरिका के लिए, चीन के लिए? पहले मैं अमेरिका पे आता हूँ या विषय के लिए। ताइवान का लोकेशन ऐसा है कि इंडो पैसिफिक से माध्यम से 60% ऑफ द कमर्शियल ट्रेड है वो इस मार्ग से जाता है, सी रूट से जाता है। तो यदि ताइवान पे चीन का कब्जा हो जाता है तो पूरा विश्व का 60% ऑफ कमर्शियल ट्रेड अफेक्ट होगा, बुरी तरह से प्रभावित होगा। ये अमेरिका इस बात को जानता है। अमेरिका के गुआन बेसिस और हवाली बेसिस खतरे में आ जाएंगे, ये अमेरिका जानता है। ताइवान कंप्यूटर चिप्स और जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के हैं वो वर्ल्ड का लीडिंग प्लेयर है, मैन्युफैक्चरर है। right. तो ताइवान का इम्पोर्टेंस ये है। इंडो पैसिफिक आज की तारीख में इकोनॉमिक एपिसेंटर है, आर्थिक व्यवस्था का एपिसेंटर है और ड्राइविंग फोर्स है वर्ल्ड इकोनॉमी का इंडो पैसिफिक। तो यदि इंडो पैसिफिक पे प्रभाव चीन का बढ़ जाता है तो ये तो महाकष्ट है अमेरिका के लिए, पूरे विश्व के लिए, हिंदुस्तान के लिए भी। तो इसीलिए इसको रोकना जरूरी था। और इसलिए भी हिंदुस्तान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलके क्वाड के जरिए वो जो साउथ चाइना सी है उसमें चाइनीज इन्फ्लुएंस को कम करें। लेकिन ये अचानक से यूएस ने इस तरह की विजिट को अनाउंस किया, उसकी क्या स्ट्रेटजी है इस चीज़ को लेकर के? ये विजिट को अगर देखा जाए तो क्या स्ट्रेटजी रही है अमेरिका की? ये पुरानी स्ट्रेटजी है, सुनजू, चाइना का ही सुनजू था। उसने कहा था हिट द एनमी व्हेन ही इज वीक, जब कमज़ोर हो दुश्मन उसी समय उसको ध्वस्त करना जरूरी, वही सही टाइम उसको मारने का। चीन की, जैसा मैंने कहा, चीन की व्यवस्था बहुत ख़राब है, आर्थिक व्यवस्था। 2024 में चीन क्यों कीन है कि ताइवान को 2024 के पहले, एक्चुअली वो कह रहा है कि 18 महीने में ताइवान को हम कैप्चर कर लेंगे, ये बोल रहा है वो। क्यों? कि 2024 में इलेक्शन होने वाला है, प्रेसिडेंट जी की छवि जिस तरह से नीचे गिर रही है, यदि प्रेसिडेंट जी कुछ ऐसा करिश्मा नहीं करेंगे तो वो सत्ता में नहीं आएंगे।
धीरे धीरे आग सुलग रही है। तो बेस्ट तरीका क्या है? ताइवान, जैसे पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर करता है, ताइवान ताइवान करना शुरू करो, और डरा धमका के यदि ले सकते हो तो वाह वाह, ये उसकी चीन की स्ट्रेटजी है। और इसीलिए जब वो देख रहा है कि 25 साल के बाद कोई ऐसा हाई डिग्निटी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अमेरिका तो फुल मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है ताइवान को बचाने के लिए। तो इसमें तो ये भी कहा जा सकता है ना कि अगर आपने घोषणा कर दिया चीन ने कि भाई 50 मिनट के अंदर हम ड्रिल कर देंगे, हमला कर देंगे, अटैक हो जाएगा, दो चार प्लेन्स वगैरह भी उसने उड़ा दिए, तो अमेरिका, ये कहा जा सकता है कि अमेरिका ने उसके ब्लफ को बकायदा पकड़ लिया कि ये गिदर भभकी दे रहा है। एकदम देखिए, ऐसा है, ताश में खेल होता है, गेम होता है ब्लफ। तो जो कॉन्फिडेंट रहता है बोलता है शो, पता है वो जीत जाएगा, ये ब्लफ मार रहा है। तो ये ब्लफ वाला गेम जो चाइना खेल रहा था, एक्सरसाइज कर लेंगे। अरे एक्सरसाइज करने से बात नहीं बनती ना, तुमने एक्सरसाइज किया, अमेरिका ने 4 वॉरशिप भेज दिए, फाइटर जेट उड़ाना शुरू कर दिया, तो बात तो कुछ बनी नहीं। तो अमेरिका ने ब्लफ कॉल किया है चाइना का। अब मैं कहना चाहता हूँ कि चाइना का क्लेम क्या है? चाइना का क्लेम है कि ये वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान हमारा है, लेकिन ये गलत क्लेम है। हिस्टोरिकली एक ज़माने में रहा था इसका हिस्सा, लेकिन दो बार इसका ओनरशिप बदला, जापान के पास गया, पहले चाइना के पास था, फिर जापान के पास गया, जापान से फिर चाइना के पास आया, जब जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर लूज़ किया। लेकिन चैंग काई शेक जो सत्ता में थे, जब वो लड़ाई हार गए और भागे तो ताइवान जाके पहुँचे। अब कई दशकों से चैंग काई शेक या उनकी पार्टी जो कुमोटिंग है वो ताइवान पर हुकूमत कर रही है। तो यदि इस तरह से चाइना हिस्ट्री को कोट करेगा तो हिंदुस्तान भी कोट कर सकता है कि एक ज़माने पूरे विश्व पे हमारा आर्यावर्त कर की सत्ता थी। वैसे दशकों के ये वन चाइना पॉलिसी जो सर ने कहा, वो चाइनीज़ पॉलिसी ये है कि इतिहास में जब कभी भी जिस टेरिटरी के ऊपर किसी चाइनीज ने रूल किया, ये चाइना कहता है कि भाई वो हमारी टेरिटरी है। अब ये मुझे बताइए कि ये पूरा जो चीन हथियाना चाहता है वो स्ट्रेटजी क्या है? चीन का पहला एम है गिदर भभकी, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, दो कदम आगे एक कदम पीछे, धीरे धीरे प्रेशर जनरेट करो, अगला आदि झुकता है तो बढ़ते रहो, यदि स्टैंड ले लेता है तो वापस आ जाओ। गलवान उसका उदाहरण है, लद्दाख उसका उदाहरण है। ये चीन की सोची है, दो कदम आगे एक कदम पीछे। तो वो समझ रहा था कि जैसे भूतकाल में ये अपना इस तरह से अपना मनमानी कर रहा था, इस बार भी सफल हो जाएगा, और ताइवान को डरा धमका के ताइवान, अमेरिका कुछ करेगा नहीं, अफगानिस्तान का उसके मन में ख्याल आया होगा कि कुछ नहीं किया अमेरिका ने, तो ताइवान को भी। बट अफगानिस्तान और ताइवान में फ़र्क है, ये चीन को समझना चाहिए, वो बैटल रीडिंग में गलती खा गया है। अब ये बताइए मुझे कि एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चाइना ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है, हाँ या नहीं? नहीं कर सकता, वो कर नहीं सकता। क्यों? कि जैसे सुग्रीव के पीछे भगवान राम खड़े थे और बाली को हारना पड़ा, बाली तो बहुत शक्तिशाली था, तो यदि हम मिलिट्री फोर्स कंपैरिजन करें चाइना और ताइवान के पीछे में, दोनों के बीच में, तो कोई तुलना नहीं है, आकाश पाताल का फर्क है। लेकिन ताइवान के पीछे कौन खड़ा है? अमेरिका। अब यदि खाली हम मेजर इश्यूज की बात करें तो ये जो लड़ाई होगी, मान लीजिए फॉर ए सेकेंड समझते हैं कि हाँ चाइना तो युद्ध शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया, तो लड़ाई होगी कहाँ? आकाश में और पानी में। तो इसका मतलब है कौन वॉर इक्विपमेंट इम्पॉर्टेंट है? शिप्स और फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स। ये आर्मी की तो लड़ाई होगी नहीं, टैंक्स की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। अब एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पास है 11, चाइना के पास है 2, फाइटर जेट्स है अमेरिका के पास 13,247 और चीन के पास है 3,285, न्यूक्लियर बॉम्ब्स है अमेरिका के पास 3,708 और चाइना के पास है 350। कहाँ ठहरोगे आप? कंपैरिजन ही नहीं है, कोई तुलना नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई कि साउथ चाइना सी में अगर वहाँ पे होता है तो चाइनीज़ के पास बहुत सारे ऐसे वेपन्स भी हैं जो अमेरिका के तमाम शिप्स और उनके मिसाइल्स को जो निरस्त कर देगा। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, चाइना सिर्फ सिर्फ डुप्लीकेट माल बनाता है, उसका उसका उसके जो टेक्नोलॉजी है ना
वो इतना बकवास है, खाली वो नंबर गेम में विश्वास करता है। तो ये कहा जा सकता है कि अगर उधर वॉर शुरू होता है तो हिंदुस्तान भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है? कर सकता है, लेकिन ये बहुत 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 इंटेलिजेंटली इसको हैंडल करना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। जब एयर स्ट्राइक हुआ बालाकोट में, तो जो चाइना का J-17 था पाकिस्तान के पास, तो पाकिस्तान जो सदाबहार दोस्त कहता है, क्यों नहीं इस्तेमाल किया J-17? F-16 क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि उसको पता है ये J-17 खाली बेस अपना हैंगर में रखने के लिए ठीक है, वो आकाश में उड़ेगा, उड़ जाएगा, लड़ने के लिए ठीक नहीं। अरे जब विंग कमांडर अपना अभिनंदन ने MiG-21 से F-16 को उड़ा दिया, तो ये तो हमारी पायलट की वीरता है, तो J-17 को कहाँ छोड़ेगा ये अभिनंदन? तो ये पाकिस्तान को पता था, चीन को भी पता है। चीन खाली नंबर गेम से डराता रहता है, मेरे पास इतना है इतना है, सब बकवास इक्विपमेंट है। चीन के जैसे सोल्जर्स बकवास हैं, वैसे इक्विपमेंट बकवास है। कैसे लड़ाई जीतोगे? तुम्हारे सोल्जर्स आते हैं 2-3 साल के लिए, चले जाते हैं घर, और आर्मी का तो ज़्यादा काम है नहीं यहाँ। आर्मी यहाँ तो एयरफोर्स और नेवी का है, और उसमें वो टिकेगा नहीं, एकदम नहीं टिकेगा, नंबर गेम में नहीं टिकेगा। अच्छा ये बताइए कि अब तो सब कुछ सेटल हो गया, नैन्सी जी वापस भी चली गई, इनको जो अचीव करना था कर लिया, अब आगे क्या होगा? देखो ये 2024 तक जब तक इलेक्शन नहीं ख़त्म होता है चाइना में, तब तक ये दबाव चलता रहेगा, तब तक इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चीन लड़ता रहेगा, फिर 2 कदम आगे 1 कदम पीछे। एक ही दिन में 2021 में 52 बार चाइना के फाइटर जेट्स जो एयर डिफेंस जोन है तवान का, उसका अनादर किए हैं एक दिन में, सिंगल डे में 52 बार। तो इसका मतलब है चीन फिर इस तरह की शैतानी करेगा। तो अब इसका काउंटर क्या है? अमेरिका को चाहिए कि बूट्स ऑन द ग्राउंड, चाहे गुआम एयर बेस हो, चाहे हवाली हो, और अपना एक सिक्योरिटी रिंग ताइवान के आसपास, ताइवान के जो है वेस्टर्न साइड में, मतलब चाइना के ईस्टर्न साइड में एक सिक्योरिटी अपना एक फेंस डाल दे, शिप्स का, वॉरशिप्स का सिक्योरिटी फेंस, कि इस फेंस के अंदर जाइए, तुम्हारी लक्ष्मण रेखा इधर से खुद उधर ठोक देंगे, यही जरूरी है। और अपने जो फाइटर जेट्स हैं उनकी संख्या बढ़ा दो गुआम बेस में, हवाली बेस में, और अपना ट्रेनिंग करते रहो, चाइना के एयर स्पेस में मत घुसो, बट शॉर्ट ऑफ दैट अपना उड़ाते रहो। तो ये संदेश जाता रहेगा कि नहीं, अमेरिका इस बार सीरियस है, ताइवान अकेला नहीं है, ताइवान अकेला नहीं है, उसके पीछे भगवान राम खड़े हैं, तो कष्ट हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मसले के ऊपर। टेलीविज़न में तो आपने देखा कि किस तरीके से युद्ध होने वाला है, कंपेरिजन किया गया नहीं किया गया, लेकिन पूरी जो हकीकत है, जो मुद्दा है, उसको आपने बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।